Assalamu alaikum. Hi there guys and welcome back to my channel. It's me Reema Arif with another skincare routine for you guys, and thank you so much for liking my videos. And I've decided to continue my work. Agar aapko fayda ho raha hai to thank you so much, and please do appreciate me by liking my videos and subscribing me and sharing with others. So here I will be talking about today for acne prone skin, jinki bhi acne hoti hai face pe, to unhe ye skincare routine follow karna chahiye. Kyunki meri jo bhi acne journey hai aur severe thi jo ki ab bahut hi kam ho gayi hai, to uske liye main ye sab products use kar rahi hu and they worked very good. To main isi liye aap sab ke sath bhi share karungi taki aapka bhi fayda ho jaye isme. So here, the first come first, I will be using a face wash. अगर सबसे पहले तो अगर आपने makeup किया हुआ है तो आपने वो makeup remover से remove कर देना है. सबसे पहले तो आपने makeup remover से अपना makeup off करना है. आपने directly face wash use नहीं करना. ठीक है, जब भी आपने makeup किया होगा तो आपने पहले makeup remover use करना है. उसके बाद आपने एक अच्छा face wash लेना है. तो ये है जी गार्नियर स्किन नेचुरल्स का नीम फेस वॉश. ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है और ये बहुत ही अच्छा है एक्नी के लिए. एक्टिव एक्नी हो या आपकी एक्टिव ना हो तो भी अच्छा. आपने फेस वॉश करना है, देन यू हैव टू स्क्रब. एंड हेयर आई एम रिकमेंडिंग दिस, दैट्स बिकॉज आई एम यूजिंग इट एंड इट्स गिव मी वेरी गुड रिजल्ट. दिस इज़ एस टी ईव्स का green tea scrub. So it what it does, it clears blackheads and calms redness. आपके जो pimples की वजह से skin red हो जाती है, ये scrub आप gently जब मसाज करते हो अपने face पर तो ये उस redness को बहुत ही हद तक reduce करता है. और ये acne के लिए scrub बहुत ही ज़बरदस्त है. उसके बाद you have to cleanse your face with Neytrogena pink grapefruit facial wash, visibly clear. इसके अगर आपको acne है और अगर ना भी है तो आप अगर इसे अपनी daily life routine में use करेंगे तो you will see the difference, क्योंकि यह आपकी जो skin है उसे बहुत ज़्यादा glowy कर देता है and it helps to remove जो है spots and blackheads and your skin gets very fresh and very clear without any doubt. So after that you have to do the toning, and here I will be recommending the tea tree toner from the body shop. This is the best toner for the acne. एंड उसके बाद आपने मास्क अप्लाई करना है. आपको पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था कि स्क्रबिंग जो है वो वीक में दो दफ़ा करनी है और वो भी जेंटली मसाज करके, बहुत ही जेंटल. और मास्क भी आपने वीक में दो दफ़ा लाजमी लगाना है. ठीक है, अब ये एक है फेशियल क्ले मास्क मिंट एंड लेमन. सी द पैकेजिंग, इसका कलर ही बहुत अट्रैक्टिव है. So it clears breakouts and minimizes the appearance of pores. एक तो आपकी जो भी acne है उसे clear करता है, उसके बाद एक और काम करता है कि जो आपके pores हैं उसको भी ये shrink करता है, उसे minimize करता है. ठीक है, so this is also a very good option. अच्छा, उसके बाद आपने mask लगाने के बाद भी अगर आपकी skin आपको थोड़ी सी dehydrated लग रही है so you can apply the toner again also. और एक और मास्क है जो मैं बताऊंगी आपको कि इसका रिव्यू मैंने आपको पहले भी वीडियो में दे चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू था, लव फॉर मी का. दिस इज़ फ्रॉम कैच ग्लो, इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाया था ये मास्क. और ये इस तरह कुछ पाउडरी फॉर्म में है, इसे आपने ख़ुद बनाना होता है. ये ऑर्गेनिक है, से ही बना हुआ है. सो ये आप यूज़ कर सकते हैं बना के. उसके बाद आपने ये आज ही कैंटीला कालमिंग जेल क्रीम है,
ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्किन के लिए। एक तो ये वाइटिंग करती है, ठीक है, आपकी स्किन को वाइटनिंग वाइटनेस प्रोवाइड करती है, और ये रिंकल केयर भी है, डबल फंक्शनल कॉस्मेटिक है, क्योंकि ये रिंकल्स को भी आपके जो है कंट्रोल करती है। उसके बाद आपने ये करने के बाद इसी आयोनिक का ही सीरम जो है वो अप्लाई करना है। ये टी ट्री रिलीफ सीरम है, एज इट नेम सेज टी ट्री है, तो आपकी एक्ने पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ क्रीम्स के बारे में भी बताती हूँ कि जो आप रेगुलर यूज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक्ने पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। एक तो ये है एंटीडॉट माना ब्यूटी का एक्ने ट्रीटमेंट, ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक्चुअली में अगर आपकी एक्ने को ये एक आध पिम्पल निकला है फेस पे, आपने उस पर एक लेयर सी लगा दी इसकी, तो आप की मतलब वन इन वन डे आपकी जो वो एक्ने है वो बिल्कुल भी छोटी हो जाएगी और जो है श्रिंक हो जाएगी। तो या इट डज़ वर्क। और एक और जो बेस्टेस्ट क्रीम है वो है क्लियरसेल की। ये क्लियरसेल की जो है रैपिड एक्शन ट्रीटमेंट क्रीम है, और ये है रैपिड एक्शन जेल। तो ये क्रीम मुझे इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो मुझे ये दोबारा नहीं मिल रही थी, अवेलेबल नहीं थी, बहुत अच्छे ड्रग स्टोर्स पर भी नहीं थी। तो इसके ऑल्टरनेट मुझे इसकी क्रीम के बजाय जेल फॉर्म मिला, बट आई ग्रैब्ड इट लाइक बहुत सारे। तो इसका जो इसकी पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है। ये क्लेम करते हैं कि आपके जो है ना 4 आवर्स के अंदर अंदर जो भी आपकी एक्ने की रेडनेस है वो ख़त्म करेगी, और आपकी एक्ने को मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क होगा, बहुत श्रिंक आउट हो जाएगी। तो ये वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्ने, तो मैं ये सारी स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ या यूज़ कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट्स हैं। अब जिन चीज़ों के मुझे रिजल्ट नहीं मिले मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले है ये टी ट्री ऑयल बॉडी शॉप का। ये क्लेम करता है जी कि आपने इस स्पॉट ट्रीटमेंट है, आपने कॉटन बड पे लेना है और अपनी एक्ने पे अप्लाई करना है। आपने एक्ने पे अप्लाई करना है तो ये विद इन 3 डेज आपका पिंपल जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी स्किन पे मेरी एक्ने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट ये है कि इस ऑयल के 2 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ फॉर माई फेस। जब मैं यूज़ करती थी ये देखिए ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड है। जब मैंने इसे यूज़ किया तो मेरे जो स्किन के पोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो गए, और एक अच्छा टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर, एक शाइन सी मेरे जो है फेस पर आने लगी बिकॉज ऑफ दिस आई गेस। तो हाँ, ये मेरी एक्ने पे वर्क नहीं किया, बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये आपकी एक्ने पे भी वर्क नहीं करेगा, मे बी आपकी स्किन टाइप पे वो काम कर जाए। सो एक और है जो अ बिग 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 नो फ्रॉम मी इज़ डूडू लेडर का, ये है ऑयल। इट्स अ बिग नो, आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम वेजेस कॉस्मेटिक्स इंस्टाग्राम से ही। तो आप देखेंगे इतनी सी बॉटल, इट कॉस्ट मी अराउंड 1000, मतलब यार कुछ तो आप देना अमाउंट, अब इतने सारे आप कॉस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही पैकेजिंग में इतनी सी बॉटल थी, और इनकी भी यही क्लेम था कि यार ये जो है आपकी एक्ने को बहुत ही रैपिडली सही करते हैं। बट ये मैंने हाफ तक यूज़ कर ली ऑलमोस्ट, लेकिन कोई भी एक्ने पे फ़र्क नहीं पड़ा, और आई वाज शॉक्ड कि इतनी मतलब अमाउंट भी इसकी कम। और एक तो इसका ये जो ओपनर है ये भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था, ओपन ही नहीं होता सही से। तो इसकी प्राइस जो थी टी ट्री ऑयल की, ये वो ऑलमोस्ट 1700 या 1800 थी, बट ये फिर भी वर्थ इट है। इसने बाकी तो काम किया था पोर्स पे और स्किन पे, एक शाइन, एक ग्लो दिया, बट डूडू लीडर इज़ अ बिग नो फ्रॉम मी।
हो सकता है बहुत सारे लोगों की स्किन पर ये ठीक भी रहा हो, इसके रिजल्ट भी आए हों। मैं ये नहीं कहती कि ये सबके लिए ही बुरा है, बट या इट डिडेंट वर्क फॉर मी। सो यस, आप अपनी एक्नी स्किन केयर रूटीन में ये प्रोडक्ट्स शामिल कीजिए एंड टेक माय वर्ड्स, आपकी जो एक्नी है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होगा और वो अच्छे होने की तरफ जाएगी फॉर श्योर। एंड आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कुछ भी कहना हो, तो यू कैन से इट इन माई कमेंट सेक्शन। एंड इट्स एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड दैट्स रीमा आरिफ। सो डू फॉलो मी देयर टू, ताकि आप अपडेट हो सकें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आगे। एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, इट्स अ लॉट मोर कमिंग अप गाइज। एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।